दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में एंड उसके कुछ मेजर स्टॉक्स के बारे में और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी के बारे में, जिसको देख के आप कल ट्रेड कर सकते हैं कि कैसे मार्केट रह सकता है। तो आज की बात कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था ना, ये वाला लेबल जो निफ्टी में था, उसमें देखिए निफ्टी एंट्री दिया और उसके बाद डे लो भी आया। और ये जो लेबल था कल तो मतलब ये इतना अच्छा लेवल नहीं था बिकॉज मार्केट ओपन नहीं हुई थी। और आज मार्केट जब गैप अप ओपन हुई तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर रहा होगा और उसकी वजह से ये लेवल थोड़ी देर रोका इसके लिए। बट अभी आप देखेंगे ना कि ऊपर भी इतने ज़्यादा कोई फ्रेश लेवल नहीं है। एक ये लेवल जो कि एक न्यू लेवल होगा, अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो ये लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा शॉर्टिंग के लिए और इसको हम देख सकते हैं। नीचे बात करें बाइंग के लिए तो एक ये लेवल है जहाँ से पुल बैक आ सकता है। और बाकी अगर सपोर्ट डेट ये गैप अप ओपन होता है और यहाँ इस वाले लेवल में आता है तो ये गैप डाउन नीचे आ सकता है यहाँ से। बात करें हम रिलायंस की तो देखिए रिलायंस के चार्ट पे आप देखेंगे ना तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, जो कि इसमें एक एग्जीक्यूशन था काफ़ी सही यहाँ पर यहीं कहीं, तो वो भी मतलब आज ब्रीच हो चुका है। और ये वीकली सप्लाई जोन के बिल्कुल डीप में चल रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आता है तो देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें भी मिलेगा। और अगर ये ब्रेच करके ऊपर जाता है तो ये एक फ्रेश एरिया रहेगा जहाँ से सेलिंग आ सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की तो देखिए बैंक निफ्टी में ये कुछ लेवल हैं, इसमें कुछ अच्छा नहीं है खास। पीछे का अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो इसमें कुछ खास अच्छा नहीं है, तो आप ये लेवल दो रख सकते हैं शॉर्टिंग के लिए, काफ़ी सही रहेंगे ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ।